आज ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कोहली के साथ होने वाला है। यस, गौरव कपूर जी की चैट हो रही है विराट कोहली के साथ। रेस्टोरेंट में कोने में बैठे हुए हैं दोनों, बातें कर रहे हैं बचपन की, क्रिकेट की, सब कुछ बातें कर रहे हैं यार, लिटरली सब कुछ। तो देखते हैं आज के मिक्स मैच रिएक्शन। अगर आपको मिक्स रिएक्शन पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ठीक है, कि आज यहाँ पे कौन आया है? कौन आया? द पोस्ट मैच जेंटलमैन या दिल्ली का छोकरा? तुम तो हमें जानते हो सिस्टर। दिल्ली का छोकरा। जेंटलमैन तो जब हमने होना होता है, मैं हो जाते हैं। हाँ, वो स्विच ऑन करना पड़ता है। हाँ, ये डिफॉल्ट सेटिंग है। ये डिफॉल्ट सेटिंग है। जैसे ही अपना माहौल मिल जाता है, उसके बाद आपको पता है हमारा क्या हाल हो जाता है। फिर तो उसके बाद फिर मैं आया इसलिए हूँ, मैं आया तुम्हारा पिछला एपिसोड देख के हूँ। मुझे इंस्पिरेशन पिछले एपिसोड से मिली। जब तक मैंने नेहरा जी का एपिसोड नहीं देखा था, मेरा मन नहीं था। अच्छा, लोगों को पता भी नहीं है कि he doesn't try to be funny, but yes, this is that's what we love about. दांत देनी पड़ेगी उनकी, 12 ऑपरेशन करा के भी। मतलब क्या देनी पड़ेगी? दांत देनी पड़ेगी। दांत नहीं यार। मेरे को सबसे पता है इस मजा क्या आता है शो में। हाँ। कई लोग आते हैं जिनसे हिंदी में बात होती है। हाँ। कई ऑस्ट्रेलियन वगैरह आते हैं, उनसे टीच इंग्लिश में बात होती है। मेरे अंदर के ना सारे बंदे एंटरटेन हो जाते हैं। लाइवली रखना चाहिए। जे तू लग दी पंजाब बन लग दी पटोला, लग गए नहीं तो सारे यहाँ तो वखनी, तेन सूट सूट कर। मेरे को हिंट दो। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज अ पटोला? पटोला इज अ पंजाबी गुड लुकिंग वुमन। गुड लुकिंग वुमन इज अ पटोला? यस, वेयरिंग अ सूट। ओके, we would urge young people not to use that word in public. Yes. Unless you're talking to Punjabi people. A pachola. Yes. Aur ek aur hint dun. Haan ji. Tutak 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 tutiya. Hai jamalo. Main jo chota tha na, mujhe lagta tha dahi jamalo. Sabko hi lagta tha. Humko sabko ye sikhaya hua tha. Acha, ek aur batao. Haan. Ho 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 ho. Ishq tera tadpaave. Sukhi Sukhbir paaji to apne Ishan Sharma. ईशान शर्मा ने भी बाल बढ़ाया ना, वो पीछे बाल बांध गया है, नेवर काला चश्मा पहना है, उन्होंने बस सुखबीर नाम रख दिया, लंबा भी है। हुआ दी अदर पंजाबी इन द टीम नाउ, बिकॉज़ काफ़ी जो बाकियों को समझ नहीं आती होगी ना ये बातें। पंजाबी म्यूजिक चलता है सिर्फ चेंज रूम में, क्योंकि आईपॉड ज़्यादा लोग लाते नहीं। हार्दिक पांड्या के पास आईपॉड है, उसमें सारे इंग्लिश गाने हैं, उसको एक भी गाने के 5 वर्ड भी नहीं आते, उसको बस बीट चाहिए और वो बस हिलता रहता, तो उसके गानों से हम इरिटेट हो जाते हैं। बचा मेरा आईपॉड, मेरे आईपॉड में पंजाबी गाने, कभी कभी हिंदी रोमांटिक सॉन्ग्स भी होते हैं, लेकिन बाकी पंजाबी। माहौल थोड़ा लाइवली रखना, लाइवली रखना। पंजाबी होने चाहिए टीम में ना, एक दो। शिखर है, मैं हूँ, तो हमारे लॉजिस्टिक्स मैनेजर है ऋषि, ऋषिकेश उपाध्याय, गुजराती बट बॉर्न इन जलंधर। अजीब सा मिक्स है लेकिन वेरी एंटरटेनिंग पंजाबी। हो सो बाकी कौन है एंटरटेन करने वाले? एंटरटेन करने वाले बहुत लोग हैं, हार्दिक पांड्या तो पहले ही मेंशन हो चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जैसा मतलब खोया हुआ आदमी मैंने लाइफ में नहीं देखा। वो मतलब वो कुछ भी बोल देता है। अभी उसने ऐश का नाम ले रहा था, वो अश्विन का, कुछ दिन पहले, तो जल्दी जल्दी में कहता है अरे वो रवि कश्यप अश्विन क्या बॉलिंग करता है यार। रवि कश्यप, कोई उसका कुछ कंट्रोल नहीं है जबान पे, मतलब दिल का बहुत साफ है लेकिन कुछ भी बोल देता है। रोहित शर्मा इज एक्चुअली वन ऑफ द फनीएस्ट पीपल यू हैव एवर कम अक्रॉस, यू हैव स्पोकन। उसका क्या है बेस्ट, उसको कोई इशू एड्रेस करना है ना, वो प्रॉपर अपना टपोरी भाषा में बोलेगा। जैसे अब मैंने बोलना है कि यार लोखंडवाला में बहुत ट्रैफिक है, वो पता कैसे बोलेगा आगे, अरे वहाँ है ना बहुत ये है। अच्छा, 5 सेकेंड हो गए, 10 सेकेंड हो गए, अरे बट बहुत ये है यार, मतलब तुम समझोगे कहाँ है और क्या है। मैंने तो बोल दिया, अब तुम्हारे ऊपर है तुम्हारा दिमाग कितना तेज है। मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, इनिशियली ना जब रोहित ही वॉज बर्स्टिंग ऑन टू द सीन, तो हमें बड़ी ना क्यूरियोसिटी होती थी। रोहित शर्मा का नाम बहुत, मतलब एवरीवन सेड यार ये एक प्लेयर आ रहा है, ये एक प्लेयर आ रहा है, तो बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि यार यंग प्लेयर तो हम भी हैं, ऐसा कौन सा प्लेयर आ रहा है यार, हमारी कोई बात ही नहीं कर रहा। तो T20 वर्ल्ड कप था, तो उसको बैटिंग करते देखा ना मैंने, तो मैं ऐसे ही बैठ गया सोफे पे। मैंने कहा बेटे आज के बाद कुछ मत बोलना, बिकॉज व्हेन यू सॉ हिम प्ले यू अंडरस्टूड व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट, यू नो व्हाट वी आर विटनेसिंग हियर, सो अमेजिंग अमेजिंग। आई हैवन सीन समवन टाइम द बॉल बेटर देन। रोहित के पास 1 सेकंड एक्स्ट्रा है सबसे, एक नेजर डेढ़। इन रियल लाइफ ही जस्ट ही लुक्स सच अ स्पेस कैडेट।
जितनी चीजें रोहित शर्मा भूलता है उतना मैंने किसी को नहीं देखा चीजें भूलते हुए. आईपैड, वॉलेट, फोन, मतलब छोटे मोटे काम नहीं, सीधा जो चीजें जो डेली यूज की हैं वो सीधा आई डोंट केयर नया ले लेंगे. उसको पता ही नहीं रहता छूट गया है. बस आधे रास्ते हो जाती है होटल में, उसको याद है मेरा आईपैड प्लेन में था. पासपोर्ट तो नहीं खोया ना कभी उसका बेचारे का. पासपोर्ट भी उसने छोड़ा है दो तीन बार, बड़ी मुश्किल से उसका रिट्रीव किया है. लॉजिस्टिकल मैनेजर मैसेज डालना शुरू कर दिया कि रोहित से पहले मुझे सामान है. तो जब उसकी यस मिलती है तब बस मिलती है. उसके अलावा नहीं. बैट है, पासपोर्ट है, क्रिकेट का सामान नहीं. चल अब क्रिकेट का सामान, बैट और पासपोर्ट है, अब निकल. बस और कुछ नहीं चाहिए. जड जी का तो आपको पता ही है, शिखर धवन. तो एक बार दिल्ली का मैच था हमारा रणजी ट्रॉफी का, और विकेट कीपर हमारे पुनीत बिष्ट. तो फर्स्ट स्लिप में शिखर धवन, सेकंड स्लिप में मैं. तो ओवर हो रहे हैं एक के बाद एक, रोशनी का क्लब में मैच था. वी आर स्विचिंग एंड्स. तो एक नया नया टीम में प्लेयर आया, तो अब वो ना आए और बार बार मेरे से बोले यार क्या बैट है यार, ये कहाँ से लिया, जूते कहाँ से लिए. तो मैं ना मैं इरीटेट हो जाता हूँ, तो मैं परेशान हो गया. मैंने कहा यार ये लड़का मतलब जब देखो दिन में जब पीछे मुड़ जाओ तो वो खड़ा होता है. मेरा तो ऐसा हाल हो गया. तो वो पुनीत अपना विकेट कीपर था, वो बोला कि हाँ मतलब यार वो लड़का अनोइंग हो सकता है लेकिन ठीक लड़का है. तो इधर भाई साहब शिखर धवन जी, उन्होंने अपना दिमाग चलाया जादुई. तो कहता है हाँ यार वो लड़का तो ठीक है लेकिन वो ना नोटबुक्स में आने की कोशिश करता है. तो मैंने कहा नोटबुक्स क्या होता है. कह रहा वो कौन सी बुक्स बोलते हैं, गुड बुक्स को कहता है नोटबुक्स. मैंने कहा तुमने स्कूल में तो कभी छुई नहीं. और स्लिप खड़ी है, कीपर खड़ा है, दोनों हंस रहे और मैं ज़मीन पे. आदमी गुड बुक्स को नोटबुक्स कैसे बोल सकता है. और सीरियसली मतलब ये ऐसे लेवल पे ऑपरेट करते हैं लोग, बहुत मज़ा आता है. बट शिखर इज़ ऑल्सो सुपर एंटरटेनिंग, उसको भी लगता है कोई फिक्र नहीं है दुनिया की, चांस ही नहीं है. एक बार उसको याद है न्यू ईयर पार्टी थी दिल्ली में, हमारा एक दोस्त था उसके फार्म हाउस पे करते थे हम लोग पार्टी. तो बड़ा एक्साइटेड, कह रहा न्यू ईयर पार्टी होगी, बड़ा मज़ा आएगा, सब दोस्त आएंगे. मैंने कहा मज़ा तो आएगा. क्या था, हाँ चलो प्लान बनाओ. प्लान बन गया, सब ऑर्गेनाइज हो गया. तो भाई साहब कहीं गाड़ी में जा रहे थे घर, तो फ़ोन आ गया किसी का. उस बंदे ने बोला हाँ जी शिखर धवन जी. कहता हाँ, तो ये ट्रैफिक में चला रहा है और बात कर रहा है और बहुत ट्रैफिक होगा, वो निकलने की कोशिश कर रहा है. तो उसने बोला कि अच्छा ये मुंबई में ना फंक्शन है तो आपको आना है, तो हमें चीफ गेस्ट बनाना है तो कराना है. कह रहा हाँ हाँ ठीक है मेरे को बाद में फ़ोन करो. इसने बाद में फ़ोन करो करके रखा और भाई साहब ने कार्ड छपवा दी बॉम्बे में. रात को उसके पास टिकट आ गई ईमेल पे. तो उसका फ़ोन आया, कह रहा हाँ जी वो कल का सब प्रोग्राम फिट हो गया, आपकी इतने बजे की फ़्लाइट है. कह रहा तू कौन है. कहता मेरी दोपहर में तो आपसे बात हुई है, आपने बोला हाँ ठीक है मेरे को बाद में फ़ोन करना, हमने कार्ड छपवा दिया. कह रहा भाई साहब हो कौन आप. कहता आपकी फ़्लाइट है 12 बजे की कल, यहाँ बॉम्बे में फंक्शन है, आप हमारे चीफ गेस्ट हो, हम लोग वो फार्म हाउस में पार्टी कर रहे हैं. कौन है? तो उसको पता ही नहीं कौन है, हम फार्म हाउस में पार्टी कर रहे हैं, भाई साहब स्टेज पे बैठे हैं बॉम्बे में न्यू ईयर के फंक्शन पे. क्या था यार मुझे याद ही नहीं रहा, उसने कार्ड छपा दिया, मैं क्या करूँ. तो यूवी ने कहा है कि द बेस्ट वे टू गेट विराट टू पे अ बिल इज बाय कॉलिंग हिम अ कंजूस. कि उसको एक बार ही कंजूस बोलोगे तो वो अब मैं क्या बोलूं यार. रहने दो. उनका सीधा सीधा हिसाब है जो आशु भाई ने बोला ना, सही बात है. चोरी किसने की, मैंने नहीं करी सर. वो बिल्कुल सही बात है कि कोई मेरा माहौल बनाए उससे पहले माहौल बना दो, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता. जिसने पहले बोल दिया उसका हक हो गया. उनका पता है क्या हिसाब किताब था. शुरू में ना मेरे को फ़ोन करते थे, चीकू रोटियां मंगा. अच्छा जी मैं क्या खाना है. मंगा ले कुछ भी मंगा ले, कभी बताना नहीं कि क्या खाना है. मैंने मंगवा दिया पनीर, कॉर्न पालक, दाल, ये वो. खाना आएगा ना, पहली बाइट दाल की खाई, ये दाल है ठीक ही, ये पालक है. मतलब ऑर्डर नहीं देना, दूसरे से ऑर्डर करवाओ और फिर उसकी बुराई करो, बैठ के क्रिटिसाइज करो कि ये क्या खाना मंगाया, यूजलेस. अगली बार बोलोगे ना क्या खाना है, तू ही मंगा ले. कभी आज तक नहीं बोला क्योंकि क्रिटिसाइज करना है बैठ के. जब तक वो मसाला ना मिले ना अंदर तक, तब तक मज़ा नहीं आता उनको. जैक ने कहा कि विराट को लगता है कि वो बड़ा डिसेप्टिव बॉलर है.
वो दिन गए नहीं यार मेरे से बोलिंग मतलब मैं कर देता हूँ बोलिंग, पहले मुझे एक्चुअली लगता था कि मैं लोगों को डिसीव कर सकता हूँ। ऐसा हुआ भी है दो तीन बार कि मतलब उनको समझ ही नहीं आता था बॉल आ कहाँ से रही है, क्योंकि मैं दो तीन बार फिसल भी चुका हूँ बॉलिंग करते हुए। एक बार तो मैंने फिसलते हुए बॉल डाल दी थी, तो मार्क बाउचर कीपर था, आईपीएल का मैच था किंग्स इलेवन पंजाब से, और भोपारा बैटिंग कर रहा था। अच्छा कभी कभी क्या होता है आप गिरते हो ना तो बॉल छूटती नहीं है, उस दिन क्या हुआ मैं गिरा, नो बॉल भी नहीं थी और बॉल हाथ से छूट गई और स्टंप के इतने ऊपर से गई, तो भोपारा यूँ खेल रहा है और बाउचर यूँ पकड़ रहा है, ये कर क्या रहा है आदमी, नीचे लेटा हुआ और बॉल फेंक दी और स्विंग भी हो गई रजनीकांत। ऐसा तो जैक पा ने भी किया, मेरा एक्शन ही भगवान ने इतना गंदा बनाया, मतलब मेरे को क्या है वो एक्शन पता नहीं यार, मेरी रिदम ही उस एक्शन से बनती है, मैं और किसी तरीके से बोलिंग ही नहीं कर सकता, मैं स्पिन भी डालता तब भी ऐसे ही हो जाता है मेरे से नहीं होता। आज पहली बार ब्रेकफास्ट में चैंपियंस में सूप पिया जा रहा है ब्रेकफास्ट कहाँ हो रहा है 8:30 बजे रात के सुबह के चीटिंग कर रहे हैं हम, चीटिंग इंडोर में तो कुछ भी बता दो, इंडोर में तो कुछ भी हो सकता है, बाहर आपको पता नहीं है, बाहर इतनी धूप चमक रही है, पागल हो गए लोग। जो लोग शाम को 7:30 उठते हैं उनके लिए ब्रेकफास्ट है, कुछ होंगे जरूर वो तब से तड़प रहे होंगे भाई हमारे ब्रेकफास्ट के लिए भी कुछ करो लो जी आपका नाश्ता आ जाए। व्हाट डू यू यूजुअली ईट फॉर ब्रेकफास्ट एवरी डे? ब्रेकफास्ट सर हमारा सेट है, हाँ जी ऑमलेट खाता हूँ मैं, 3 egg whites 1 whole egg स्पिनच ब्लैक पेपर चीज सम ग्रिल्ड बेकन और स्मोक सालमन अलॉन्ग विद इट, पपाया खाता हूँ, ड्रैगन फ्रूट इफ अवेलेबल, वाटरमेलन, ईट डिसेंट अमाउंट ऑफ चीज फॉर गुड फैट्स एंड देन आफ्टर दैट आई कैरी माई ओन नट बटर्स एंड देन आई यूज ग्लूटेन फ्री ब्रेड इन द होटल उसमें लगा के खाता हूँ एंड देन अ नाइस बिग पॉट ऑफ ग्रीन टी विद लेमन, उसके 3-4 cup होते हैं। अच्छा और लंच डिनर इज ऑल ग्रिल्ड चिकन ग्रिल्ड फिश? या when I'm like when our trainer Mr. Basu tells me to put on bit of muscle then I increase red meat. नहीं तो generally दोपहर में grilled chicken, mashed potatoes, spinach, veggies and रात में seafood. You told me 4 years ago on your birthday that you lifted your shirt. मैं देखा नीचे glucose के biscuit लगे हुए थे और you said sister आपको बताना मैंने 1 साल से butter chicken और naan नहीं खाया उसको 4 कर दो अब 4 हो गए ना, दर्द था दिल्ली वाले लड़के का अब गर्व है। बट इफ यू हैड वन चीट डे कि आज बॉस जो भी खाऊंगा वो ब्रोकली जैसा बन के अंदर उतरेगा तो क्या होगा? वो रजौरी गार्डन में राम के छोले भटूरे 110% वो भी उसकी दुकान के पास जाके, घर आते आते तो वो भटूरे कहाँ रहते हैं, वो तो फटूरे हो जाते हैं, वो सिली हुई ब्रेड की फील आती है उसमें, ताज़े जो फूले हुए आते हैं जिसमें उंगली मार के भटूरा नीचे हो, वैसे थोड़े प्याज हरी चटनी और गाजर का अचार और मिर्च का अचार। चलो वापस स्पिनच सूप बिल्कुल रियलिटी की तरफ दिमाग कनकाओ। सो इट मींस जस्ट द वन थिंग योर चीट वुड जस्ट बी दैट वन, यू डोंट हैव अ ड्रीम विश लिस्ट ऑफ इतना बड़ा मेन्यू होगा? नहीं समोसे भी होंगे, मेरा चीट जब एक मील हो गई तो फिर मेरे डिजायर खत्म हो जाते हैं यार, ये क्या वापस डिफॉल्ट आ जाता है ये कैसे हो जाता है पता नहीं यार, अब तो सेकंड नेचर हो गई है, आई एम वेरी पोसेसिव अबाउट व्हाट आई ईट एंड हाउ आई ट्रेन। यू आर ट्रेनिंग लाइक व्हाट? यू आर इन द जिम फॉर लाइक? मैं जब फोन किया था एक बार बैंगलोर में, कहा अच्छा मैं जिम में हूँ, मैंने कहा अच्छा बाद में मिलता हूँ, कहते मैं 4 घंटे में खत्म करूंगा, मैंने कहा क्या बंदा सो रहा है वहां पे, क्या कमरा नहीं दिया इसको क्या? 4 घंटे यूजली जब 2 सेशन करते हो जिम में तो कंबाइंड 4 घंटे हो जाते हैं ट्रेनिंग के, विच इज़ ऑफ सीजन, सीजन में 1.5। अच्छा मेटाबॉलिज्म पे भी डिपेंड करता है, अगर मेरा मेटाबॉलिज्म हार्दिक पांड्या या शिखर धवन का भी बहुत अच्छा है, केएल राहुल जैसा होता है, जैसे लीन फिजिक है इनकी, हम तो सर खाते पीते घर के हैं, छूटते अभी एक बार खुली छूट दो, कितनी ट्रेनिंग कर लो, 4 साल ट्रेनिंग करी हो, 4 दिन में मोटा हो सकता हूँ ऐसे चीक्स यहाँ तक आएगा सीधा, 4 दिन में दिख जाता है मेरे पर। लाइक योर अर्लियर यंगर पिक्चर्स Your face was considerably more like this. मेरी jawline थी नहीं। ढूंढते रह जाओ कहाँ है? मैं हाथ मार के ढूंढता था, फिर भी नहीं आती थी यार। पहले तो मैंने मीठा तो ऐसा इतना खाया कि मीठा ही नहीं रहा, खत्म हो गया। तो मैं सूंघ के ना मेरे को बड़ा डिजर्ट सूंघ के मुझे लगता है यार क्या बना होगा, मतलब मैं लुफ्त उठाता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है ना, तो मैं दूसरों को फिर सेल्समैन बन जाता हूँ, ओए होए क्या केक है, ओए होए क्या मिठाई है, खाओ बेचने की आदत था। मैं सेल्समैन बहुत तगड़ा बनता, और कुछ नहीं एक्वागार्ड बेचता मैं बहुत तगड़े ये देखिए पूरा बढ़िया है।
कितना बढ़िया हलवा मेरा। फिर खा के सब गाली देते बाद में अगले सुबह जब 10-15 मिनट 20 मिनट ज्यादा ट्रेडमिल पे लगाने होते तो। नहीं नहीं नहीं, जो कर सकते हैं वही खाते हैं, वही करते हैं। हाँ, वही खाते हैं और जिनकी बॉडी अलाउ करती है वही खाते हैं, बाकी तो अभी बहुत बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो गए। ब्रिलियंट, ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी। 30 साल पहले तो लोग पेट लेके, उस टाइम जब डिमांड्स नहीं थी ना गेम की, वैसे अलग थी उस वक्त। अगर आपको 3 फॉर्मेट खेलने आज की डेट में, अगर आप फिट नहीं हो आप खेल ही नहीं सकते। ट्रेनिंग नहीं है तो चांस ही नहीं है, आपकी रिकवरी हो ही नहीं सकती है, एंड मेजर इंजरी विल बी वेरी क्लोज। अभी गेम इतनी प्रोफेशनल हो गई है, इतनी जोर से आगे बढ़ रही है, अगर आप ट्रेनिंग नहीं करोगे तो आप इतनी पीछे रह जाओगे। इट्स अबाउट कि आप एक कैच के लिए गए, कैच छूट गई, लोगों ने बोला ओ ग्रेट एफर्ट, बट आपका कैच तक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक्सेलरेशन कितने सेकेंड में हुआ है, उसके लिए आपने कितनी ट्रेनिंग करी है, कैसे न्यूट्रिशन है, आप अच्छे से सोए हो कि नहीं, वो चीज़ें डिटरमिन करती हैं कि आपका वो डिस्टेंस 3 सेकंड में कवर हो रहा है या 2 सेकंड में कवर हो रहा है। अगर आप 2 सेकंड में कवर करोगे तो ईजी कैच है, आप 3 सेकंड में कर रहे हो तो कह रहे हो ग्रेट एफर्ट। तो इट्स अबाउट मार्जिन्स, इट्स अबाउट अ सेकंड हियर एंड देयर, आर यू ट्रेनिंग फॉर दैट एक्स्ट्रा सेकंड और नॉट, दैट्स व्हाट मैटर्स नाउ। MS धोनी ने बोला था 4-5 साल पहले कि मैं बेस्ट फील्डिंग टीम बनाऊंगा इंडिया को। रिमेंबर दिस, ही सेड इट क्वाइट अ फ्यू टाइम्स एज वेल इन पब्लिक। एंड यू गाइस, चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी 2013, सो 4 इयर्स वेयर वी एक्चुअली फील्डेड बेटर देन एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड। सो दैट वाज अ रेवलेशन फॉर अस उस टाइम पे। खुद ही सबने सोचा कि ये क्या कर गए? नहीं मतलब, एक तो यंग टीम थी, ओहो, उसके बाद कोई मतलब वो नहीं था ना, हम तो यार ऐसे ही चैंपियंस ट्रॉफी गए थे कि बहुत यंग साइड है, विल जस्ट गो टू एंजॉय आवरसेल्फ। और व्हेन अ टीम इज लुकिंग टू एंजॉय देमसेल्व द मोस्ट, द ओनली थिंग दैट हेल्प्स और दैट अलाउज द टीम टू डू समथिंग टुगेदर इज ऑन द फील्ड। सो वी आर एंजॉयिंग ईच अदर्स कंपनी, और द फील्ड, द ग्राउंड्स आर ब्रिलियंट इन इंग्लैंड, सो द क्राउड सपोर्ट वॉज अमेजिंग, सो दैट होल एटमोसफियर काउंट्स। सो वी आर थ्रोइंग आवरसेल्फ्स अराउंड एंड यू नो, we actually fielded our way to the finals in the Champions Trophy and we ended up winning it. Very special, very very special. Who have you enjoyed batting with the most? I know there'll be a few, no? For reasons. Yeah, in Test cricket, I think I have enjoyed batting the most with Jinx. Yeah. Ajinkya. We've had quite a few good partnerships. I think I've had few of my best partnerships with Chris Gayle and AB. Yeah. In the IPL. बहुत मजा आता है दोनों के साथ खेलने में। क्या सुपरस्टार दोनों यार, मतलब कमाल के बंदे हैं, मतलब हम तीनों की अंडरस्टैंडिंग ऐसी ही है, मजा आता है उन लोगों के साथ ना फील्ड पे, ऑफ द फील्ड एज वेल दे आर ब्रिलियंट ह्यूमन। क्रिस गेल के साथ क्या है एक्शन? क्रिस गेल के साथ वो ऐसे करके क्या है समझा दे, पता नहीं, मैंने तो भज्जू पा को देखा था एक बार करते हुए, तो मैंने कहा भज्जू पा क्या कह रहे हैं मुझे भी नहीं पता, मैंने कहा ठीक है देखने में तो अच्छा है। तो इन वनडे क्रिकेट रोहित, मी एंड शिखर हैव हैड क्वाइट अ फ्यू पार्टनरशिप्स, मी एंड MS, MS एंड मी एक्चुअली हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, वी डोंट इवन लाइक, इफ ही वी रनिंग बिटवीन द विकेट्स एंड इफ ही सेज टू, आई जस्ट क्लोज माई आईज एंड रन, बिकॉज आई नो दैट हिज जजमेंट इज सो करेक्ट कि आई विल मेक इट। फॉर यू टू बिकम कैप्टन एंड टू हैव समबडी लाइक MS धोनी स्टिल देयर एट लीस्ट इन वनडे क्रिकेट, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू, बिकॉज़ आई हैव नोटिस दिस अबाउट हिम, इन द लास्ट few years he enjoys being in the game more than even playing the game. Yeah, amazing. I don't think I've come across a better cricketing brain. Yeah. Just in terms of planning and you know knowing what's happening in the game and what can be done. Sometimes I like to follow my own instinct as well. But whenever I ask him anything, 8 out of 10 times or 9 out of 10 times, he always tells you things that work. Yeah. So it's a blessing to have him. You know, our friendship has grown over the years. इमेंसली लोग बहुत बीच में कोशिश करते हैं कि कोई बीच में स्टोरी चलाओ, कोई फूड डालने की कोशिश करो, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हम ना वो पढ़ते कुछ ना मैं पढ़ता कुछ, हम लोग जब निकलते हैं साथ में कहते हैं अरे कुछ नहीं था, हमें तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। अच्छा ट्रांजिशन इतना अच्छा हो गया, मी एंड हिम आर वेरी क्लोज, ट्रांजिशन इतना अच्छा हो गया, फील्ड पे भी किसी को फील ही नहीं हुआ कि ट्रांजिशन हुआ है, सब कुछ मस्त चल रहा है, हम लोग आपस में हंसी मजाक करते हैं अभी भी जैसे पहले रिलेशन था वैसे ही। सो इट्स, आई फील रियली रियली लकी दैट ही स्टिल around in my initial years of captaincy and I'm still learning a lot from him. Matthew Aiden said to me that MS goes around finding things funny in everyday life that a 7-year-old would find funny. Yeah. He says he's like a child. Yeah. His enthusiasm is like a child. Yeah. He's very, very intrigued by things very quickly. Yeah. And he's always looking for something
that interests him. Matthew Aden is not far away from his judgment. मैं अभी recently उनसे मजाक कर रहा था. कोलकाता में वनडे मैच था ऑस्ट्रेलिया से. तो मुझे ना एक चीज़ याद आई. मैं जब अंडर 17 में कैप्टन बना, कोई क्लब का मैच था शायद अपने, तो एक बूवी हैज़ टू बोल. सो इन जनरल क्रिकेटिंग टर्म्स यू आई आस्क हिम कहाँ से, मतलब विच एंड. तो यू डोंट इवन से कहाँ से डालेगा, क्या करेगा. सो दिस न्यू गाय केम इन टू आवर अकेडमी एंड ही वॉज फ्रॉम नजफगढ़. आई हैड नो आइडिया. अच्छा खेलता था, उसको खिला लिया तो बॉलिंग आ गई. तो मैंने उसको बॉल पकड़ाई, मैं कैप्टन था. मैंने कहा कहाँ से, कह रहा भैया नजफगढ़. मैंने बोला इधर आ. मैंने कहा बॉलिंग कहाँ से डालेगा. कह रहा भैया नजफगढ़. वो इतना बोला था उसको समझ ही नहीं आई कि मैं एंड बोल रहा हूँ. सो आई टोल्ड हिम दिस स्टोरी मैच के बीच में. Full stop laughing. You feel like he's very serious and all, but in his moments he laughs a lot. तू तक टूटिया दही जमा लो. यार बहुत ही एंटरटेनिंग चैट हो रही थी दोनों के बीच. दोनों आपस में बहुत फ्रेंडली में बात कर रहे थे क्योंकि बहुत पहले से जानते थे और बहुत कुछ चीजें जानने को मिली कि विराट कोहली जिम में कितने घंटे बताते हैं, कौन क्या करता है टीम में, रोहित शर्मा कैसे बात करते हैं और जडेजा क्या, शेखर धवन क्या क्या बातें करते हैं. बहुत सारी चीज़ें जानने मिली, बहुत एंटरटेनमेंट भी मिला. तो मज़ा आया इस मिक्स सेक्शन को देख के. अगर आपको मिक्स सेक्शन देखने में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग.